वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं नहा के आई हूँ अभी जस्ट। इन दोनों को पहले नहला दिया था और आज ना सुबह से पानी नहीं आ रहा था आरओ में। मैंने कल रात को बताया था कि आरओ खराब हो गया, तो पानी रात को ही ख़त्म हो गया था। थोड़ा सा था मटकी में, वो सुबह थोड़ा सा रात को हमने पिया था और सुबह थोड़ा सा था। मतलब मैं उठी तो पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा। इन्होंने बोला ठीक है मैं नीचे से लेके आता हूँ, लेकिन नीचे भी पानी नहीं आ रहा था। नीचे हमारा एक बड़ा आरओ लगा हुआ है, वहाँ से कैंपर भर के लाने वाले थे ये, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, पानी ख़त्म हो गया था वहाँ पे भी। तो फिर ये नहा वहा के गए, खाना भी आज ना तो खा के गए ना तो लेके गए हैं, क्योंकि पानी नहीं था तो बिना पानी के तो कैसे खाना बनता, पीने के लिए भी नहीं था पानी। तो फिर जब गए तब नीचे पानी आ गया था, तो फिर हमें कैंपर भर के देके गए हैं। और बस थोड़ा लेट ही उठे थे क्योंकि पानी नहीं था और मेरी तबीयत भी थोड़ा सा मुझे लो लग रही थी आज। कभी कभी पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता है। और बस अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। सुबह मैगी बनाई थी ये गए, उसके बाद में हम तीनों ने मैगी खाई थी, क्योंकि कल रात को ही सेजु बोल रहे थे कि मैगी खानी थी, तो फिर सुबह मैगी बना दी मैंने। और अब पहले मैं ये कैंपर जो देके गए हैं इसको मैं मटकी वगैरह भर लेती हूँ, क्योंकि मटकी में थोड़ा सा था पानी, वही पी रहे थे हम। तो अब कैंपर भी भर लेती मतलब तो अब मटकी भी भर लेती हूँ और बॉटल वगैरह पानी फ्रिज में भर के रख देती हूँ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चाहिए अभी गर्मी के मौसम में। तो ये सब करते हैं और नींबू पानी पीणु पिए थे हाँ बेटू, नींबू पानी पीना है हाँ। चलो चलो दोनों को पिलाते हैं। आज ये हमारी बेटी नहीं सोई है, बेटूड़ी। इस गुटूड़ी को नींद नहीं आई आज। गुटूड़ी को देखो ना पूरी गिल्ली होके आई है। मैं इधर इनका फोन आया जो बात कर रही थी, इसको सिपर पे पानी दिया तो पूरी पटोर के आ गई पानी। चलो कपड़े चेंज करेंगे, ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है ना। मैं हूँ ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है ना। ये क्या है बताना, ये क्या है बेटा तेरा हाथ में? फिश। अच्छा फिश, फिश है फिश। आज ये काफी लेट उठी थी ना सुबह, मतलब बहुत ही ज्यादा लेट उठी थी, तो इसको नींद आई नहीं। सेजू तो आराम से सोई हुई है कब से, लेकिन ये मेरे साथ सोते ही मतलब 5-10 मिनट के अंदर वापस उठ गई, और फिर मैं बहुत सुलाने की कोशिश की लेकिन सोई ही नहीं वापस। ये ऐसे ऐसे काम करती है ये, क्योंकि मैं अपना पास से उठ गई थी तो फिर ये वापस उठ गई। इसको चाहिए साथ में सोए रहो इसके, है ना मेहू? तो मैंने ना कुछ फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी से कुछ ऑर्डर किया था, तो वो आ गया है। ऐसे कुछ पैकेट में आता है ग्रॉसरी से अपन ऑर्डर करते हैं तो ना मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मंगाया मैंने। ऐसे मैं खोल के सब कुछ देख चुकी हूँ, लेकिन ना मैंने इन दोनों की वजह से वापस पैक कर दिया, क्योंकि ये दोनों ना वो सब बिखेरने लग गए थे। मैंने बोला ये तो वापस देना है अंकल को, तो वापस से पैक कर दिया मैंने और फिर यहाँ पर रख दिया था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। मैंने काफ़ी कुछ मंगाती रहती हूँ फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी से, कभी कुछ ख़त्म हो जाता है ना तो मुझे सच में यूँ लगता है कि ये अच्छा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं और सही प्राइस में मिल जाता है। तो अभी ना मुझे कुछ चीज़ों की नीड थी, तो खुल ही नहीं रहा, मैंने पैक किया इसको, अब खुल नहीं रहा मेरे से। मैंने ना सबसे पहले तो ये 5 लिपों का सेट है मास्टर को, मेरे पास सेम ब्रांड के सेम डिब्बे हैं मेरे पास, आप लोगों ने देखे होंगे जो मैं फ्रिज में रखती हूँ।
तो ना उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो मैं लाई थी डीमार्ट से, लेकिन यहाँ पे तो डीमार्ट तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे सेम ब्रांड के मिल रहे थे मास्टर कुक के, तो फिर मैंने ऑर्डर कर लिया और 100 रुपये में मिल रहे थे ये 5 डिब्बे। ये देखो इस शेप में, और अभी मैंने मंगाया है ये वाले, तो सेम हो गए, दिखने में भी अच्छा लगता है। तो इसलिए कलर में ये मंगा लिए थे। मतलब मैंने आप लोगों को बोला था कि ना मेरा जो पिलर है सब्जियों वाला, मतलब छीलने वाला, तो वो मेरा टूट गया है। मैं दिखाती हूँ, मैंने रख रखा था, मुझे लगा क्या पता वो मिल जाए कभी, तो मेरे पास ये रखा पहले, पता नहीं कहाँ चला गया, मतलब मुझे याद नहीं एकदम से। जब मैं निकाला मैंने अंदर से, तो देखा ये चीज़ है ही नहीं, मैंने ढूंढी बहुत सारे लेकिन मिला ही नहीं फिर तो। और इसका ये भी टूट गया था जो यहाँ पे आया था, ये भी तो कब का टूटा हुआ था। इसकी चलो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वैसे भी, लेकिन इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी भी अच्छी है, तो फिर ये मैंने मंगा लिया था। और ये भी कुछ 50 रुपये का ऐसा ही कुछ था। इस पर MRP देखो आप लोग कितनी लिख रखी है, 500 रुपये लिख रखे हैं इसके ऊपर। अच्छा 500 रुपये का तो नहीं आता है, फिर भी मतलब 50 रुपये का है, ऐसे कुछ पड़ा है मुझे ये। तो ये मैंने ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि इसके बिना ना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है आलू वगैरह छीलने में, खीरा छीलने में, और ये ऐसे कटर का भी काम पड़ता है, तो ऐसे सैलेड वगैरह कट भी हो जाता है इससे। और फिर साथ में मैंने और कुछ, मतलब इसकी आप फिर मैंने ना ये भी, चलो ये इसकी भी ज़रूरत तो होती है, हम क्योंकि पराठे वगैरह सदा बनाते हैं ना, तो फिर ये पराठों पे ऑयल वगैरह लगाने के लिए मेरे पास पहले था एक, मैं कहीं से लाई थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया, मुझे कोई आइडिया नहीं, शिफ्टिंग में पता नहीं। तो ये मैंने, ये इसका पैक था, तो ये मैंने ऑर्डर कर लिया था, ये भी कुछ 50 रुपये ऐसा ही कुछ था, क्योंकि 400 रुपये लिख रखे हैं लेकिन 50 रुपये पड़ा है, तो ये मैंने ऑर्डर लिया था। और ना पता नहीं ग्रॉसरी वालों को ना मुझे मेरे पे कुछ दया आ गई, शायद उनको कुछ पता चल गया कि इसके बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, तो फिर आयोडेक्स भेजिए साथ में। इसको मैंने ना तो ऑर्डर किया है, ना तो इसके पैसे बिल में लिख रखे हैं, ना कुछ है ऑर्डर वाले, मतलब इसको मैंने कहीं पे कुछ है, लेकिन मैंने ये खोला तो इसमें से ये निकल गया 50 रुपये की, पता नहीं ऐसे फिर उन्होंने भेजी मेरे लिए। तो चलो ये भी यूज़ तो आई जाएगी, क्योंकि कमर दर्द तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको भी यूज़ कर लेंगे फिर कम वाले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो बस नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और कल रात को फिर कुछ शूट हो ही नहीं पाया शाम के बाद में, तो बस मैं हूँ अभी हमारी उठ के आई है, मैं हूँ, हेलो कर दो। नो नो ये नहीं करेगी, ये हमारे सेजू तो कब की उठ चुकी है, हेलो कर दो सेजू। तो बस अब मैं मेहू के लिए नाश्ता बनाऊंगी, हमने नाश्ता कर लिया है, सेजू भी उठ गई थी तो इसको भी नाश्ता पहले करा दिया था, और अभी और खाएगी तो और भी खिला दूंगी। तो मैंने छीले बनाए थे सूजी के, सेजू ने वो खाए थे, और हमारे लिए तो पोहे बने थे, रोज़ पोहे बनते हैं, तो और कुछ खाने का मतलब इच्छा ही होती है उनकी। तो बस अब मैं छीले और बना देती हूँ, मेहू भी खा लेगी, और अगर सेजू को थोड़ी और भूख होगी तो वो भी खा लेगी, शायद नहीं खाएगी वो तो, क्योंकि उसने केला भी खा लिया है सुबह उठ के। तो बस पहले अब चीले वीले बनाते हैं। Thank you.
हुआ मेहू तुझे? हाँ मेहू बेटा क्या हुआ बता तो सही। देखो बाल बिगाड़ दिए इसने सारे। मत करना बेटा, बालों को क्यों बिगाड़ती है? क्या चाहिए? तो पानी तो दे रही हूँ मैं तुझे, तो क्या चाहिए? यही तो होता है पानी। हाँ देख चौथी के लिए फिर बाद में सही करेंगे फोर्थ के। अभी तो ये सोएगी तो वापस बिगड़ जाएगी, है ना? है ना? पानी पीना है? नहीं पीना तो क्या पीना है? रोटी खानी है? चलो मैं रोटी बनाती हूँ फटाफट, फिर सो जाएंगे। ठीक है सोना है कि नहीं सोना है? क्यों क्या करना है फिर? ऊपर क्या है? मोटू पतलू बोल रही है और गाइस टाइम पे मत जाना, घड़ी खराब हो गई है। तो ये कैसे बाल बिगाड़ती? चोटी तो नहीं है बेटा, खत्म हो गई। अच्छा चोटी चोटी, हाँ तेरे बनाऊं? तू तो बिगाड़ती रहती है, बनाती नहीं। अभी नहीं बनाएंगे, अभी तो सोएंगे ना तो फिर वापस बिगड़ जाती है, फिर बाद में बनाएंगे। ठीक है ठीक है, मैं बनाती हूँ। चलो 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 सोचो, तुम भी चलो। आज होती बनाएंगे। और फिर वो बिगाड़ देती है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो बस अब मैं इसकी छोटी करके आई हूँ, अब मैं खाना बनाऊँगी। खाना के मतलब रोटी बनानी है, सब्जी तो सुबह बनी हुई है, तो इन दोनों को खिला के मैं सुला देती हूँ। क्या ही खाना बनाए और खाए, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, मतलब गर्मी ना इस बार तो शायद रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर आप खोल के रख रहे हैं ना तो वहाँ से गर्म गर्म हवा आ रही है, तो हालत खराब हो रही है गर्मी। अच्छी लग रही है ना ऐसे गर्मी में, धूप अच्छे से नहीं लगती लेकिन ऐसे ही फेस पे आ रही, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो बस अभी मैं उठ के आई हूँ फटाफट से, मुझे याद आया आज है आरसीबी का मैच, तो फिर ना मेरा बहुत ज़्यादा खून जलता है कि ये तो मैच देख रहे होते, मैं यहाँ खाना बना रही होती हूँ, इसलिए मैं फटाफट से खाना बनाने वाली हूँ। मेरे कुछ बर्तन भी पड़े हैं खाना खाने के, वो भी साफ़ करूँगी और फटाफट से खाना बनाते। इनको मैंने फ़ोन किया, वो बोले कि मूंग की दाल बना दे रोटी और आम का रस बना देना, कल लेके आए थे फिर ख़राब हो जाएंगे, तो वो भी बना के रख देती हूँ मैं पहले। तो बस ये फटाफट से काम निपटाते हैं और फिर आराम से मैच देखेंगे। वो दोनों सो रही है अभी तक, तो एक उठेगी तब तक तो चलेगा, दोनों उठ जाएंगे तो फिर ध्यान रखना पड़ता है उन दोनों का भी, तो इसलिए चलो फटाफट से खाना बना लेती हूँ मैं। फाइनली मैं सारे काम करके आ गई हूँ, बस अब रोटी बनानी है, फिर जब भी खानी होगी तब बनाएंगे। ठीक है और अब मैं देखूँगी आराम से मैच। और डुप्ले से आउट हो गया है लेकिन कोहली खेल रहा है अभी तक, विराट कोहली, तो बस देखते हैं आराम से मैच क्या होता है, देखते हैं। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। ये बस अभी आए हैं, इन दोनों को नीचे लेके गए थे क्योंकि सेजू रोने लग गई थी, उसके पापा ने क्या उसको फ़ोन पे बोल दिया कि मेरे लिए चॉकलेट कुरकुरे लेके आया हूँ, तो फिर वो रोने लग गई कि मेरे पापा चॉकलेट कुरकुरे लेके आए, मुझे घर जाना है, वो भी अभी घर जाना है, तो फिर लेके गए थे नीचे कुरकुरे दिला के लाए हैं, उसने खाए तो थोड़े बहुत खाए और फिर रख दे के सुबह खाऊँगी क्योंकि रोटी वोटी खा ली थी उसने, तो
मैं सब इन दोनों को भी सुनाती हूँ और मैथ्स में भी मज़ा नहीं आ रहा आज बिल्कुल भी, मतलब पता नहीं क्या ही होने वाला है, हारेंगे जीतेंगे कुछ पता नहीं है। तो चलिए सोते हैं, आप मैच देखते देखते मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए, बाय। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।